इंदौर कालानी नगर सेवा केंद्र पर गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी ने श्री गणेश के आध्यात्मिक रहस्य से सभी को अवगत कराया और उनके समान बनने के लिए विशेष प्रेरणाएं दी। इस उपलक्ष में श्री गणेश के बाल रूप की मनोरम झांकी सजाई गई तथा कई छोटे छोटे बाल कलाकारों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों ने छोटे बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कहते हैं हाथी हर बात में समझता है, हर शक्तियों में वो निपुण है, उसके समान शक्तिशाली जानवर कोई होता ही नहीं है हर बात में। तो भगवान ने ऐसा सिर जोड़ दिया तो हम क्या बन गए? गणपति। हमारा नाम हो गया गणेश और श्री गणेश की पूजा सबसे पहले। तो आप सब पूज्य आत्माएं बन गए, सबसे पहले आपकी पूजा होगी। छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा अपनी माटी से जुड़े रहने के लिए श्री गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसमें सद्गुरुवार के दिन श्री गणेश जी के निमित्त महाआरती का आयोजन किया गया और उनको विशेष भोग लगाया गया। इस अवसर पर छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा दीदी ने श्री गणेश जी का आध्यात्मिक रहस्य बताया और कहा कि गणेश जी के हाथ में लड्डू है, लेकिन कभी उन्हें लड्डू खाते हुए या आधा लड्डू उनके हाथ में नहीं दिखाया गया। इसका तात्पर्य है कि उनको मिला हुआ तो सब है, प्राप्ति सभी है, लेकिन वह प्राप्ति अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है। महाआरती में चौरसिया समाज अध्यक्ष मानिक चौरसिया, प्रदेश संयोजक साहित्य एवं कला अवनेन्द्र खरे, खजुराहो एयरपोर्ट AGM सौरभ यादव, प्रोजेक्ट अकाउंट ऑफिसर राजेश रूपालिया सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं समस्त ब्रह्मा कुमारी परिवार शामिल रहा। हाथ में लड्डू है, कभी ऐसा नहीं दिखाया आधा लड्डू, मतलब आधा खा चुके हैं, आधा पकड़ा है या खाते हुए वाला पहुंचे, दिखाया मिला है लड्डू है, मतलब प्राप्ति तो सब हुई है, लेकिन वो प्राप्ति समाज के लिए, जो कुछ भी पाया है वो बांटने के लिए, वो समाज के लिए, सिर्फ स्वयं के लिए। गुरुग्राम पालम विहार सेवा केंद्र ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के लिए मेडिटेशन प्रोग्राम आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल दीदी, राजयोग शिक्षिका बीके कौशिका बहन रहे। बीके उर्मिल दीदी ने राजयोग मेडिटेशन के महत्व और उसका अभ्यास करने के तरीके विस्तार से समझाए। ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई के खंडवा स्थित भाग्योदय भवन पहुंचने पर स्वर्णिम भारत की शान आत्मनिर्भर किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि अधिकारी एवं ग्राम विकास तथा कृषि से जुड़े कई लोगों ने भाग लिया। बीके राजू भाई ने अपने व्यक्तित्व में कहा कि वर्तमान समय शाश्वत योगी खेती को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ अन्न से ही स्वस्थ तन बनता है। साथ ही भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष सुभाष पटेल, सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी कविता गवली और लोकेंद्र मंडलोई, कृषि महाविद्यालय के प्रोफेसर रश्मि शुक्ला ने भी अपने अनुभवों से कृषकों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं कृषक भाइयों का सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति दीदी ने ईश्वरी सौगात देकर सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन बीके सुरेखा दीदी ने किया। भीनमाल के आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता बहन, नाहर अस्पताल अध्यक्ष डॉक्टर शिखा सिंह ठाकुर, ग्रामीण बैंक के लेखा प्रबंधक काजल रेवाड़, स्कूल के प्रिंसिपल अमित व्यास ने सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके गीता बहन ने स्कूली बच्चों में नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ रही प्रवृत्ति पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज स्कूली बच्चों को विशेष ध्यान और शिक्षा देने की जरूरत है। भुवनेश्वर के अलारपुर स्थित शिव संदेश भवन में बीके सदस्यों के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पंजाब जोन की बीके पुष्पा दीदी विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्वनी बहन ने पुष्पा दीदी का स्वागत किया। कार्यक्रम में दीदी ने अपने अनोखे और ज्ञानवर्धक अनुभवों से सभी को मधुबन बाबा और मम्मा की उपस्थिति का अनुभव कराया। यूपी के फरुखाबाद सेवा केंद्र द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदर्श पब्लिक स्कूल में गणेश चतुर्थी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बीके शोभा दीदी और बीके पूनम दीदी ने गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य समझाया।
कार्यक्रम में एक चित्र प्रतियोगिता भी आयोजित रही, जिसमें बच्चों ने सुंदर सुंदर गणेश की प्रतिमाएं बनाई। स्कूल के प्रबंधक डीके शर्मा जी ने बीके शोभा दीदी के द्वारा बच्चों को पुरस्कार वितरण करवाए, साथ में बच्चों ने मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जिंद के जाट धर्मशाला में नशा मुक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आईएएस अंकित चौकसे, एसडीएम डॉक्टर पंकज यादव, एडीसी हरीश विशिष्ट, जिंद सर्कल प्रभारी बीके विजय दीदी, वरिष्ठ बीके भाई विजय उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बीके रमा दीदी ने नशे से बचने के लिए पुलिस और एनसीसी छात्रों को जागरूक किया।